गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। ऑफिस के लिए एकदम तैयार हूँ भाई। लास्ट फ्राइडे को मैं जिम गया था, सैटरडे नहीं जा पाया, हम मॉल गए थे, संडे तो ऑफ होता है, मंडे नहीं गया, ट्यूसडे नहीं गया, आज वेडनेसडे, आज सुबह भी उठ नहीं पाया भाई। शाम को मैं 7:30, 8 बजे घर आ रहा हूँ, शाम को कैसे जाऊँ, और सुबह सुबह उठा ही नहीं जा रहा भाई। काम करते करते शिवाना को सुलाते सुलाते 12:30-1 बज जा रहे हैं हर रोज। बंदा 6 घंटे की नींद के बाद जिम कैसे जाएगा। अब गुस्सा मुझे इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं रेगुलर था भाई, 3 दिन की छुट्टी मैंने कभी ली नहीं इतने दिन से जब से मैंने स्टार्ट किया, बट क्या कर सकता हूँ। अब फिर मैंने आज विशाली को बोला ही है कि भाई मैं आज चाहे 6 बजे निकलूँ ऑफिस से, चाहे 6:30 मैं जिम जाके आऊँगा, चाहे मैं 45 मिनट्स करूँ, 1 घंटा ना करूँ या 1.5 घंटा ना करूँ, थोड़ा ही करूँ, बट मैं करके आऊँगा आज, सो दैट पता भी चल जाए कि मेरे को कितना टाइम लगता है शाम को अगर मैं जिम जाता हूँ। जो भी है, शाम को देखते हैं। सामान मैं लेके आ गया हूँ, डिपेंड करता है भाई कि मैं, क्या पता मैं 6:30 ही निकल रहा हूँ जिम से, क्या ऑफिस से, क्या पता मैं 6:45 ही निकल रहा हूँ ऑफिस से, तो जाम उसी हिसाब से बढ़ता रहता है जितना लेट निकलो आप। तो एनीवेज अभी मैं निकल लेता हूँ। शिवाना सोई रही थी, शिवाना ने बहुत तंग किया आजकल, बहुत तंग कर रही है रात को यार, थोड़ी थोड़ी देर में उठ जा रही है, लंबी नींद ले ही नहीं रही, थोड़ी थोड़ी देर में उठ जा रही है। और विशाली ज्यादा परेशान होती है क्योंकि विशाली उस साइड सोती है और मुझे तो खैर पता ही नहीं चलता, कभी कभी पता चलता है कि शिवाना उठ के रो रही है, परेशान कर रही है। आप लोगों को अपने ऑफिस का क्रैच दिखाता हूँ, जो मैं बोलता रहता हूँ ना विशाली को कि मैं शिवाना को लेके जाऊंगा, अभी दिखाता हूँ साइड है क्रैच जरा। तो शिवाना को सुला के मैं आई हूँ छत पे ऑस्टिन को लेके ये कपड़े डालने, प्लस ऑस्टिन खाली पेट वॉमिटिंग भी करती है तो मुझे वो भी देखनी है। छत पे पॉटी किसने करी है? क्योंकि सबको पता है हनी लेट आएगा ऑफिस से, तो ये मेरे पीछे पड़ा है कि उस वॉकर को फ़ोन कर और बुला, जबकि वो खुद फ़ोन करता है अपने टाइम से। बट भाई इतना जाम, एक तो मैं आज भी लेट ही निकला, लेट से भी लेट, मतलब 6 बजे निकल रहा था बल्कि मैं 6:30 के बाद ही निकला हूँ, और इतना जाम है ना भाई, मुझे डाउट है कि मैं जिम जा पाऊँगा। अभी वो तो जिम के पास पहुँच के ही पता चलता है मैं कितने बजे तक पहुँचता हूँ, एंड फिर मैं तभी डिसाइड करूँगा। जैसे कि आप लोगों को पता है हनी सुबह जिम नहीं जा पा रहा है, तो वो अभी जिम वगैरह करके ऑफिस से फिर सीधा जिम गया और अब घर आ रहा है, तो वो सब ऑस्टू डेरा हो गई, डेरा 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 हो गई। कौन आया? क्या देखा है कि कभी कोई खेलते खेलते पॉटी करे, वो ये बच्चा है, बच्चा सॉरी बेटा और बच्चा मिक्स कर दिया, ये बच्चा है वो। मेरा बेटा कर सकता है ऐसा, सिर्फ मेरा छोटू कर सकता है ऐसा, बस कि खेलते खेलते पॉटी कर दे, खेली करते करते पॉटी कर दी, मेरे को बदबू आ रही इतनी ज्यादा यहाँ तक। सो खाना तो बना हुआ था, बट हनी ने कहा कि मैगी खाने का मन है, तो तड़का लगाया गया है। आज मैंने ना सरसों के तेल में इसको तड़का लगाया, तो इसमें तो बड़ी रेड लग रही है, पर फोन में क्यों नहीं लग रही, तो सरसों के तेल वाली मैगी खाएंगे हम।
देखेंगे क्या डिफरेंस है। उसको देने से पहले उसकी वाली में से थोड़ी सी कम कर लेती हूँ, टेस्ट कर दे। मिर्ची नहीं है, गर्म है बट टेस्टी है। फिर हम खाना कब खाएंगे देखते हैं। मैंने तो टेस्ट कर लिया है, आप जैसे आप लोगों ने देखा, अब आप करना। मैंने सरसों के तेल में बनाई है। ओह नाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत टेस्टी होने वाली है और मैं कभी भी गलत रिव्यू देता नहीं। वाह, मजा आ गया। हेलो फ्रेंड्स, यार ये देखो रेडी मी, सिर्फ अपर ही रेडी हूँ। सो मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ आप लोगों से अपनी वेट लॉस जर्नी। सो जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि मैं ऑलमोस्ट काफ़ी वेट लूज़ कर चुकी हूँ, तो मैं आपसे शेयर करूँगी कि सी सेक्शन के बाद आप वेट लूज़ कैसे कर सकते हैं। सो फर्स्टली मेरा इतना ज़्यादा वेट नहीं हुआ था गेन, ऑलमोस्ट 10-11 केजीज हुआ था, जिसमें से मैंने ऑलमोस्ट 3-4 केजीज या 5 केजीज आप कह लो आफ्टर डिलीवरी ही लूज़ कर लिया था। एंड देन सिवाना ने मेरा मिल्क 1 month ही ऑलमोस्ट पिया है, उसके बाद नहीं, वो ब्रेस्ट फीड पे नहीं थी, तो इस वजह से मतलब कि उसकी वजह से मेरा वेट लॉस हुआ है या मैं ब्रेस्ट फीड करती हूँ इस वजह से वेट लॉस हुआ है, तो ऐसा वेट लॉस का कोई वो नहीं है। मैं ऑलरेडी काफ़ी पतली हूँ, मतलब थी, तो मेरे लिए वेट लॉस जो मेरा एक्स्ट्रा प्रेगनेंसी फैट था जो भी था फ्लूइड वगैरह के साथ वो निकल गया, प्लस बेबी भी बाहर आ गया था। एंड उसके बाद बिकॉज बेबी के साथ मेरे जो जो दिन में काम होते थे और होते रहे, एंड मैं अपना खाना खुद ही बनाती थी, मुझे यहाँ आके तो मैं अपना खाना भी खुद ही बना रही थी, घर में सबका नहीं, सिर्फ अपना जो मेरी मेल थी, तो मैंने काफ़ी चलना और ये सब करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से मैंने 2 kg और लूज़ किया। बट मेरा केस बिल्कुल डिफरेंट है, मुझे कोई डाइट फॉलो नहीं करनी पड़ी, इन द सेंस डाइट मैंने अपने जो मेरे डॉक्टर ने रिकमेंड करी थी वो तो आई यूज़ टू डू, बट मैंने वेट लूज़ करने के लिए स्पेशली मैंने कोई डाइट नहीं ली कि मुझे ये पर्टिकुलर लेना रहना है, मैंने कोई डाइटिशियन नहीं फॉलो करी। सो आप क्या कर सकते हैं, आई कैन हेल्प यू इन दैट। फर्स्टली आप डिटॉक्स वाटर से मॉर्निंग की स्टार्ट कर सकते हैं, मॉर्निंग की शुरुआत कर सकते हैं, और ये लेमन वाटर, हनी इन इट, तो इन सब से आप शुरुआत कर सकते हो, दैट इज़ टोटली कूल। आप मैं जो भी बता रही हूँ आप एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कर लीजिएगा शेयर कि ऐसा ऐसा भी हम कर सकते हैं कि नहीं। इट वॉज़ टोटली ओके फॉर मी टू डू दैट। तो सेकेंडली आप वर्कआउट भी कर सकते हो, आप दोपहर में या फिर आप मॉर्निंग में जब भी आपको टाइम मिले, बिकॉज यू हैव डिलीवर्ड अ बेबी, तो आपको उसी हिसाब से जब वर्कआउट करने का टाइम मिले जितना आपकी बॉडी अलाउ करे उतना नॉर्मल रनिंग जॉगिंग ये सब कर सकते हो आप। उसके बाद आप लास्टली ये कहूँगी मील में आप सुबह और दोपहर को कार्ब्स ले लीजिए, बट डिनर टाइम में आप अवॉइड कीजिए प्रोटीन और वेजिटेबल्स के, प्रोटीन के साथ ही आप लाइट मील लीजिए ताकि आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम ना आए, प्लस आपका टमी भी फुल रहे, तो आप पूरा दिन हैवी खा लीजिए बट रात को आप मेक श्योर करिए कि आप लाइट खाएं, तो आपका वेट लूज में हेल्प हो सकती है। बट अब मेक श्योर आप अपने बेबी के सारे काम खुद करें जिससे आपको वेट लूज में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। मैं अपने बेबी के ऑलमोस्ट सारे काम खुद करती हूँ, कपड़े धोने के अलावा, जो मेरे व्लॉग्स देखता है उन्हें पता ही होगा। सो इस चीज़ में आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। प्लस गाइज मेरा वेट ज़्यादा इसलिए भी नहीं बढ़ा क्योंकि मैंने ब्रेस्ट फीड ज़्यादा नहीं कराई सिवाना को, तो मुझे वो इतना हैवी पंजीरी टाइप वो लड्डू और ये सब नहीं खाना पड़ा, मैंने बहुत ही कम खाया। प्लस मुझे गैस्ट्रिक इशू रहता है तो मैं ये ड्राई फ्रूट और हैवी लोडेड चीज़ें ज़्यादा नहीं ले पाती, तो उससे भी मेरा वेट रुक गया एक जगह। अभी प्रेगनेंसी के बाद मेरे पास सिर्फ 3 or 4 केजीज में एक्स्ट्रा हूँ, तो ये है मेरी वेट लॉस जर्नी जिसमें मैंने स्पेशली कोई डाइट फॉलो नहीं करी। मेरा वर्क शेड्यूल की वजह से मेरा वेट शेड होता रहा, प्लस आफ्टर डिलीवरी मैंने ऑलमोस्ट 4-5 kg ऑन द स्पॉट कम सभी कर देते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड, बेबीज आउट, एमनियोटिक फ्लूइड इज़ नॉट देयर, बॉडी इज़ लाइट सो यू फील गुड,
तो आप ये सब कर सकते हैं, मैं आपको ये सब की के लिए ऑप्शन दे सकती हूँ। बाकी ऐसे अगर और भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे ज़रूर बताएगा, आई वुड लव टू शेयर। सिवाना की जो मिटन्स और सॉक्स छोटी हो गई हैं वो ऑस्टिन पे आजमाई जा रही हैं गाइस, कैन यू बिलीव दैट। बेटा खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो मेरा बच्चा, गुड बॉय स्टे। आप लोगों ने देखा नहीं देखा, मैं दिखाता हूँ, ये देखो कौन hey, पैर, क्या हो गया ये, क्या हो गया वस्तु, शूज किसने बना दिए, रुक मैं इसको चला के देखता हूँ, रुको रुको एक सेकंड, पीछे वाले तो बहुत गंदे लग रहे हैं। चलो घूम घूम भी करा, चलो चलो जल्दी आओ, चलो जल्दी चलो उसी बाहर, चले चले गए, आओ चले चल, शिट सुरुचि जी, ओ भाई चलो चलो रुको रुको, रुको इधर आओ, आओ चले चलो सुरुचि दे, चल बाहर उतार दी, देखो अरे यार उतर गई बेचारा, से टेढ़ा चल रहा है, ओ भाई साहब ये चुपचाप कैसे करवा रहा है, कट क्यों नहीं रहा तू, चलो और चले चलो चले, तो यहाँ पे हमारा चल रहा है फैमिली टाइम, लुक एट आवर फैमिली, सच क्रेजी फैमिली वी हैव, नॉर्मल व्लॉग कर लो, क्या बात है, कैसे बात कर रहे हो, कैसे कर रहा हूँ, लोगों को आ जाना पसंद, तू रहन दे बोली ना जा, अब आ कौन, देखो जरा देखो चार्ज हो गए, मेरे सर पे चढ़ गया ना, अगर तुम इसने भी नैप ली है, आप भी बैठे, ये भी और इसने भी नैप ली है और दोनों चार्ज हो गए हैं, अरे इसका बिप तो दिखा दो, ये एक्चुअली ना बिप कितना अच्छा है, बिप नहीं है ये, आप पता कितने लोगों को पता, गैस करो कि ये क्या है जो मैंने सिवाना के गले में डाला है, गैस करो कमेंट पे बताओगे, गैस करके कमेंट में गैस करो, कमेंट में गैस करो, जो कि कमेंट कोई करता नहीं है, आपको तो बात ही करने नहीं आती तो क्यों व्लॉगिंग कर रहे हो, 10 महीने का जो तूने व्लॉग डाला ना उस 10 महीने में हर रोज मेरी व्लॉगिंग, आई आई ऑस्टी ऑस्टी ऑस्टी, सिवाना को दिखाती हूं, रुक जा तू जरा, सिवाना को दिखाने दे मुझे कि तू क्या करता है, ऑस्टी सिवाना।